सभी का इस सत्र में स्वागत है। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो के स्टेप फोर पे कल डिस्कशन शुरू किया था, और जैसा बात हुई थी कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि स्वयं की संवेदना से अलगाव को देखना। तो स्टेप अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का और मूलतः चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने देखने की बारीकी को बढ़ा रहे हैं। तो स्टेप वन में हमने स्वयं और शरीर इन दोनों को अलग अलग वास्तविकता के रूप में पहचाना कि मैं भी हूँ, शरीर भी है। स्टेप टू में मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का हमने अभ्यास किया, और दिखता है कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचना के रूप में है। मैं संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, जो एक सूचना है शरीर को, और शरीर में संवेदनाएं होती हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, जो भी एक सूचना है। तो मेरे और शरीर के बीच सिर्फ इतना ही आदान प्रदान हो रहा है। स्टेप थ्री में हमने देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मेरा है, चाहे संकेत देने का या संवेदना को पढ़ने का, और मैं ही दृष्टा करता और भोक्ता हूँ। अब स्टेप फोर में स्वयं का संवेदना से अलगाव को देख रहे, तो अपने आप से पूछा कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या मैं संवेदना से अलग हूँ। तो कल हम लोग इस मुद्दे पे भी जांच परख शुरू किए थे, तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं रखा था, इसको हम देखें पहले। और ये कुछ उदाहरण भी हम लोग लिए थे कि कैसे हम संवेदना से गहरे में प्रभावित होते रहते हैं, और फिर इस प्रभाव से पूरा हमारा भाव, विचार, व्यवहार, कार्य, भागीदारी, सब कुछ प्रभावित होता रहता है। क्योंकि हमारा जो शरीर से चिपकाव है, जो संवेदना से चिपकाव है, हो सकता है बहुत गहरा हो, और हमारा एक गहरा संस्कार है ये। तो जो असाइनमेंट दिया था कल की जांच परख करने के लिए, तो शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं का निरीक्षण करें, जैसे कि दर्द, खुजली, गर्मी, सर्दी, झुनझुनी, शून्यता, भूख, प्यास आदि की संवेदना। किसी भी एक संवेदना पर ध्यान दें और जांचें कि क्या आप संवेदना हैं, क्या आप संवेदना में हैं, क्या आप संवेदना से अलग हैं। आज पूरे दिन विभिन्न संवेदनाओं के लिए निरीक्षण करें, तो ये कल उन्होंने टास्क लिया था। और जैसा अभ्यास एक में हम लोग एक अभ्यास कर रहे थे कि मैं और मेरा भाव, इसको देखते रहना है, वैसे ही अभ्यास दो में मैं और मेरा शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अपने को देखते हुए जांच परख को आगे बढ़ाते जाना है। तो कल दिन भर आपने अगर इस पर कुछ काम किया हो, ध्यान दिया हो, कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, कोई रिफ्लेक्शन हो, तो अभी रख सकते हो। तो भिन्न भिन्न संवेदनाओं को देखना है और फिर उससे अपने अलगाव को देखना है। कई बार क्या होता है कि कोई संवेदना शरीर में हुई और हम उस पर न विचार करते हैं, न उसकी जांच परख करते हैं, और संवेदना हुई नहीं कि हम प्रभावित हो गए, जरा सा गर्मी लगी नहीं कि हम प्रभावित हो गए, जरा सा ठंड लगी नहीं कि हम प्रभावित हो गए, जरा सा खार पीली हुआ नहीं कि हम प्रभावित हो गए। प्रभावित होने का मतलब इतना ही है, इतना है कि उस पर हमने ध्यान तो दिया, और ध्यान देने के साथ हमने कुछ निर्णय भी लिया, और निर्णय बेहोशी में लिया। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि हम कैसे इससे प्रभावित हो जा रहे हैं। इसको बारीकी से अगर देखेंगे तो इस संवेदना और मेरे बीच का जो अलगाव है उसको हम हो सकता है साफ साफ न देख पा रहे हैं, इसलिए उसको जो हमको अर्थ देना है उसको भी हम न देख पा रहे हैं। तो यहाँ से भी इस बात को देखना शुरू कर रहे हैं कि जिम्मेदारी के साथ ही निर्णय तो मेरा है, कोई संकेत देता हूँ शरीर को तो भी निर्णय मेरा है, इस संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो भी निर्णय मेरा है। परंतु इस निर्णय के पीछे हो सकता है बहुत सारा हमारा संस्कार बना हुआ है, बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है, जिसके कारण हम जो निर्णय लेते हैं वो सही समझ, सही भाव के अर्थ में नहीं होता, और फिर उसे प्रभावित होते रहते हैं। और इस स्टेप फोर को आप बारीकी से करेंगे तो आपका स्वयं से शरीर का मतलब अलगाव भी दिखाई देगा, कैसे मैं शरीर से अलग, तो संवेदना आ रही है, संवेदना मुझसे बाहर है, शरीर में है, ये शरीर भी मुझसे बाहर है, स्थान रूप में मैं और शरीर एक ही बिंदु पे हैं। परंतु यदि मैं अपने को शरीर के साथ देखता हूँ तो मुझे उसका एक अलगाव दिखाई देता है, शरीर मुझसे बाहर दिखाई देता है, इस संवेदना भी मुझसे बाहर है, ये भी दिखाई देता है। भैया नमस्ते, सभी नमस्ते। को नमस्ते। भैया हमने कल जो ऑब्जर्व किया, कल के पहले भी ऑब्जर्व किया, ये मेरा
2021 से हम इसमें जुड़े हुए हैं, और मेरा जो कल कल का ऑब्जर्वेशन था उसमें ये था कि जैसे जो भी संवेदनाएं हैं वो संवेदना हमें फील हो रही है या हम उसको रीड कर रहे हैं, तो जो एक संवेदना अभी रीड कर रहे हैं उसके बाद में संवेदना थोड़ी देर के बाद में अगर बदलती है, तो रीड संवेदनाएं बदलती हैं, जबकि रीड करने वाला सेल्फ और वहीं पर जो एक संवेदना हमें हम रीड कर रहे थे उसी जगह पे हम दूसरी संवेदना रीड कर रहे हैं, वहां पे हम बहुत सारी संवेदनाएं रीड कर रहे हैं, लेकिन संवेदना रीड करने वाला सेम है, वो बदलता नहीं है। तो सेल्फ और संवेदना में मैं संवेदना में या सेंसेशन में मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैंने फील किया कि उसमें वो बदल रही है, जबकि रीड करने वाला वही है, जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं वही रीड होता है, या उसी को रीड करते हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी दूसरे वर्क में लगे होते हैं तो संवेदना चाहे जैसी हो हम उसको नहीं समझ पाते हैं, बाद में हमें फील होता है कि ऐसा था। तो कल मैंने यही मतलब रीड किया कि संवेदनाएं बदल रही हैं बट रीड करने वाला वही है, तो इस पॉइंट पे ये फील होता है कि संवेदना में मैं नहीं हूँ, डिस्टिंक्ट एंटिटीज होता है, डिस्टिंक्ट एंटिटीज भी है। बढ़िया भैया, ठीक है। इसको और ऑब्जर्व करें, जी इसको और ऑब्जर्व करें। तो हाँ, ये बात तो है कि संवेदना करने वाला मैं हूँ वो नहीं बदल रहा है, संवेदना बदल रही है। यहाँ से भी इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इसमें और आगे ये कर सकते हैं कि संवेदना को जैसा वैसा देखेंगे, है ना, तो जी आपको खुद जी से उससे एक अलगाव दिखाई देगा, एक दूरी दिखाई देगी। संवेदना आती है, मैं पढ़ता हूँ। संवेदना आ रही है, मैं नहीं भी पढ़ता हूँ। संवेदना है, मुझे पता नहीं है, ध्यान देता हूँ तो पढ़ने लगता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई देंगी। जी 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 शरीर का कोई अंग लग रहा है सोया हुआ है, उसमें तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, परंतु ध्यान देता हूँ तो देखता हूँ कि शरीर के उस अंग में, हर भाग में कोई ना कोई संवेदना हो रही है। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते नमस्ते। भैया। संवेदनाओं को लेकर मैंने जैसे जब अकेले में बैठते हैं तो उस समय मैंने नोटिस किया, जैसे कहीं कुछ अच्छा खाने की एक अर्ज होने लगती है भूख के अलावा, जैसे रेगुलर चीज लेते हैं उसके अलावा, पर उसको मैं जब देखता रहता हूँ तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही वैनिश हो जाती है, या कहीं अच्छा घूमने की एक अर्ज होने लग जाएगी वो भी थोड़ी देर बाद देखते रहे तो वो भी वैनिश हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी संवेदनाएं भी होती हैं जिनका दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस होने लगता है, पर हाँ देखते रहने से ऑब्जर्व करने से ये पता लगता है मैं और संवेदना अलग है, और कुछ टाइम बाद अगर हम उनको देखते रहें तो वो अपने आप सेटल हो जाती है। पर भैया मेरा इसमें एक प्रश्न है कि ये जैसे ये संवेदनाएं आती हैं तो ये इनका सेंटर बॉडी है या सेल्फ है? सेंटर से क्या आशय है? हाँ, सेंटर से आशय मतलब जैसे भैया भूख जैसे लग रही है तो क्या बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है या हमें या और कोई अर्ज जैसे हो रही है, तो क्या बॉडी से वो स्टार्ट होता है या कैसे होता है? संवेदना के स्रोतों को हम लोग देखेंगे, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं संवेदना के। अगले स्टेप में हम लोग इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे। जी परंतु ये जी तो आप देखें, इसे भूख लग रही है, कहाँ हाँ भूख लग रही है, किसको भूख लग रही है, मैं को लग रही है, शरीर को लग रही है। हाँ क्योंकि जैसे अब खाना तो खा लिया, अब आदत पड़ गई है खाने के बाद कुछ मीठा खाने की या बाहर से कुछ मंगा के खाने की, उसमें ऐसा तो है नहीं कि शरीर को किसी पोषण की जरूरत है, ऐसा कुछ मैंने ऐसा देखना शुरू किया अपने, तो ये कहाँ लग रही है कि बस वो एक स्वाद जो मिलने की अर्ज है वो सेल्फ के अंदर, उससे सुख पाने की जो बार बार आदत पड़ गई है वही दबाव हमारे अंदर बनना शुरू होता है, इतना तो मैं देख पाती हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व किया जाए कि जैसे स्वाद की कोई तलब होती है, वो कहाँ से शुरू होता है? शरीर से होता है, मैस से होता है? इसको ऑब्जर्व करिए, इसे बहुत सारी बारीकियां दिखाई देंगी आपको। हाँ अभी तक तो यही कि भैया जो चित्रण चला गया वो उसकी बार बार एक कि हाँ वो स्वाद मिला था उस टाइम, तो सेल्फ से ही स्टार्टिंग लगती है अभी तक तो जो मैंने देखा। इसमें थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करिए, है ना, तो आप पाएंगे जैसे शरीर में
भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न तरह के तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम भोजन लेते हैं, पचाने में कोई मीठी वस्तु होती सहयोग करती है, जैसे गुड़ खाते हैं, ट्रेडिशनली देखें तो हम लोग गुड़ खाते हैं, है ना। हाँ भाई वैसे हम भी कोई अवसर होता है तो कुछ मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, हाँ तो उसमें क्या होता है कि शरीर की एक आवश्यकता है पचाने की, मीठी वस्तु से वो चीज पचती है, तो एक तो शरीर की आवश्यकता बनी हुई है ना। दूसरा आपका एक अभ्यास हो जाए कि जब कुछ खा लिया तो मीठा आना चाहिए सामने से, तो उसको आप देखिए तो वो जो कुछ मीठा की आशा बनी आपकी, तो उसमें एक भाग तो आपका है कि चूंकि पहले से होता आ रहा है तो वो फिर से हो रहा है, तो आशा बनी हुई है। दूसरा शरीर की भी एक आवश्यकता बनी हुई है कि मीठा खाने से भोजन पचता है, जैसे हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं थोड़ा ना, फिर कहा था पानी से बात की हो तो हल्का पानी पीते हैं ताकि गला साफ हो जाए, भोजन जो आहार नल के नीचे पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम ठीक से पानी पीते हैं, तो शरीर की भी आवश्यकता बनी हुई है और वहाँ मेरी एक आशा भी बनी हुई है। तो कौन सा भाग शरीर की आवश्यकता है, कौन सा भाग मेरी आशा है, या शरीर को कुछ मीठे की जरूरत है, कोई ऐसा मीठा तत्व हो तो गुड़ से भी पूरा हो सकता है, मिठाई से भी पूरा हो सकता है ना, कुछ और वस्तु हो सकती है उससे पूरा हो सकता है। तो चयन तो मैं कर रहा हूँ, तो शरीर की आवश्यकता है कुछ मीठी वस्तु हो वहां पर, परंतु चयन सेल्फ में हो रहा है, और जब चयन कर रहा हूँ तो उसके पीछे हमारा अपना एक संस्कार काम कर रहा है, हमारी मान्यता काम कर रही है। तो अगर गुड़ ले आए और शादी ब्याह का समय बता दे, अभी भी गुड़ ही ला रहे हो, अब तो आज तो मिठाई चलनी चाहिए, तो वहां हमारा एक अलग तरह का चयन बना हुआ है। शरीर की आवश्यकता वैसी ही यथावत, शरीर कुछ मीठे की जरूरत है, शरीर में ना शुगर लेवल हो सकता है कम हो जाए तो मीठे की आवश्यकता बढ़ सकती है, शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो उसकी आवश्यकता कम हो सकती है, तो शरीर तो अपना काम कर रहा है, उसकी संवेदना मुझे मिलती रहती है, उस संवेदना के साथ मैं किसी मान्यता को जोड़ देता हूँ और फिर वो मेरी डिमांड बन जाती है। इसको ऑब्जर्व करिए बारीकी से, खैर आगे जब चलेंगे हम स्टेप 5 6 में और इसको ऑब्जर्व करेंगे, पर इसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जी इसको भैया बिल्कुल धन्यवाद, ओपनली ऑब्जर्व करिए। जी, बिल्कुल धन्यवाद भैया, बिल्कुल तो जब मैं शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो मैं इस बात को देखूँ कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ, ठीक, और इसको बनाए रखें। संवेदना आ ही रही है, बार बार आ रही है कि नहीं, बार बार मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, बार बार मैं उसके आधार पर संकेत भी दे रहा हूँ, बट जब मैं संवेदना को लेकर कोई निर्णय ले रहा हूँ, किस प्रकार ले रहा हूँ, अपने आप को संवेदना मानकर, अपने आप को संवेदना का भाग मानकर, या संवेदना से अपने अलगाव को देखकर, तो इसको अभी ऑब्जर्व करें, कहने में बात थोड़ी है स्टेप 4 पे, परंतु तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको गहरे में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि जो अपने आप को संवेदना से जोड़ लेना है, चिपक जाना है और उससे प्रभावित होते रहना है, उससे व्याकुल होते रहना है ना, परेशान होना है, तो उसके मूल में जाएंगे तो मैं संवेदना से अपने अलगाव को नहीं देख पा रहा हूँ, संवेदना मुझसे बाहर है इस बात को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो आपको दिखाई देगा। तो आप इसे बारीकी से ऑब्जर्व करिए, हो सकता है आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ, मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ, बट जब आप अपनी तरफ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ और फ्रेश चीजें भी हो सकता है दिखाई दें, जैसे भैया ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि देखने वाला वही बना रहता है, संवेदना अलग अलग प्रकार से आती है, तो जब संवेदना अलग अलग प्रकार से आ रही है तो मैं संवेदना कैसे हूँ, तो हो सकता है ये चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में आए। इसको ऑब्जर्व करके नोट करिए, है ना, बिल्कुल ओपनली, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच ही जाए या आज ही पहुंच जाए या 10 दिन के अंदर पहुंच जाए या बैच पूरा होने से पहले पहुंच जाए, नहीं, इसको ऑब्जर्व करिए बिल्कुल, इसको जितना बारीकी से ऑब्जर्व कर ले जाएंगे उसमें दो तीन चीजें होंगी, एक तो जो शरीर से मेरा चिपकाव है ना, जो मैं अपने आप को शरीर मान के जीता हूँ, ये जो मान्यता बन जाती है वो ढीली पड़ने लगती है, उसको मैं ऑब्जर्व करने लगता हूँ। दूसरा, इससे जो मैं तुरंत प्रभावित हो जाता हूँ वो तो प्रभाव ढीला पड़ने लगता है, संवेदना आ रही है मैं देख रहा हूँ, आ रही है मैं देख रहा हूँ, मैं तो ये हूं नहीं,
मैं उसको देख रहा हूँ, और जितना जितना उसको देख पाता हूँ उतना उतना से जो होने वाला प्रभाव है वही मूल्यांकित होता रहता है। तो उसके आगे मैं बढ़कर और चीजों को देख पाता हूँ जो हम स्टेप 5 में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको ऑब्जर्व करें, अगर छुट्टी का समय हो तो बैठ के आराम से कुछ समय लगाएं इसके ऊपर, इसको एक अभ्यास बना लें। जैसे हमने भाव को देखने का अभ्यास बनाया, वैसे इसको भी देखने का एक अभ्यास बनाए। समय मिला तो मैं संवेदना को देखूं और कैसे मैं संवेदना से भिन्न हूँ, और आगे चलकर कैसे मैं संवेदना से प्रभावित होता हूँ उसको देखें। तो आपको ये दिख सकता है कि हाँ, मैं संवेदना से अलग हूँ, मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ। शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली संवेदना को मैं अपने निर्णय अनुसार पढ़ता हूँ। और ये जितना जितना आपके अंदर पुष्ट होगा कि मैं संवेदना से अलग हूँ, और संवेदना कहाँ है, शरीर में, तो मैं शरीर से भी अलग हूँ। अभी जब संवेदना को भी आप पढ़ने जाएंगे ना, देखने जाएंगे, तो कुछ संवेदना बड़ी स्थूल होंगी, जैसे तो खाज खुजली हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कहीं चुभन है, कहीं कट फट गया है, कहीं दर्द है, फिर संवेदना और सूक्ष्म दिखाई देंगी, फिर संवेदना और सूक्ष्म दिखाई देंगी। हो सकता है आप बारीकी से देखते तो यहाँ पहुंच जाए कि आपके जो सिर के ऊपरी हिस्से में संवेदनाएं हो रही है, मतलब तो शरीर के ऊपरी हिस्से में मेधस में जो संवेदनाएं हो रही है उसको भी आप पढ़ पाए, उसको भी देख पाए कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो संवेदना के प्रति जितना बारीकी से आप ऑब्जर्व करेंगे, आप शरीर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्योंकि तो अभी हम ऑब्जर्व भी करते हैं ना, हो तो सकता है हाथ पैर है ना, पेट मुंह, इन सब चीजों में तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट ये ब्रेन के स्तर पे क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। शरीर की चमड़ी के भीतर क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी एक शार्पनेस आएगी जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो स्थूल से सूक्ष्म से और सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्म, फिर आप हो सकता है यहाँ भी पहुंच जाए कि जब मैं शरीर के साथ संवेदना को पढ़ रहा हूँ और कोई निर्णय दे रहा हूँ, जो आदान प्रदान कर रहा हूँ, वो किस प्रकार हो रहा है, मुझ में क्या हुआ, शरीर के उस हिस्से में क्या हुआ जहां से आदान प्रदान हो रहा है, तो मैं देख पाता हूँ कि शरीर से मैं अलग हूँ। इसको करें, काफी इसमें स्कोप है ध्यान देने का। जी भैया, बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है। वास्तव में इसको जैसे जैसे हम देखते हैं तो ये तीनों अलग अलग दिखते हैं। एक तो मैं सेल्फ सेल्फ किस प्रकार से कोई संवेदना आती है तो उसे रीड करता है और किस प्रकार से अर्थ देता है, ये भी साफ दिखता है। संवेदना भी जैसे जैसे ध्यान जाता है वैसे वैसे वो दिखने की ओर बढ़ती है कि किस प्रकार से गर्मी लगती है। तो एक तो बाहर का वातावरण गर्म है, दूसरा मेरे द्वारा दिया जाने वाला अर्थ। तो जैसे ही मैं अर्थ देता हूँ वैसे ही मेरी स्थिति सही या गलत होने लगती है। तीसरा ये है कि शरीर भी बिल्कुल अलग है। तो इन तीनों को जैसे जैसे हम बारीकी से अलग करके देखते हैं कि फिर हम अपने को काफी कुछ बनाए रखते हैं। जैसे कई बार मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन मुझे बहुत सारी मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया। तो एक तो मधुमक्खियों का काटा जाना, मधुमक्खियों के काटने की सूचना, चूंकि मैं मोबाइल चला रहा था और पेड़ के नीचे चल रहा था, तो जैसे ही मुझे इसकी सूचना सेल्फ को पहुंची कि इकट्ठा करीब 20 मक्खियों ने मुझे काट लिया है सर में, तो मैं कुछ निर्णय ले पाऊं तो मेरा मोबाइल छूट गया और फिर मैंने अर्थ दिया उसको। तो अर्थ दिया तो दर्द हुआ मुझे और उस दर्द को मैं रीड करता रहा, लेकिन उसको दुख में मैंने नहीं बदला। अगर मैं उसे दुख में बदल लेता तो फिर मैं वहां से शुरू हो जाता कि ये मधुमक्खियों से क्या होगा, कहीं ये जहरीली तो नहीं होगी, कहीं इससे मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो मेरे अंदर बेचैनी आती। लेकिन वो बेचैनी मुझे नहीं आई। तो धीरे धीरे करके करीब उसको मैं रीड करता रहा, 1-1.5 दिन तक, 2 दिन तक उसका असर रहा और उस असर को भी मैं पढ़ता रहा। धीरे 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 वो 3 दिन के अंदर सब कुछ शांत हो गया। तो इसको जैसे जैसे हम अर्थ देना और मतलब सेल्फ को बनाए रखते हैं, सेल्फ का कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, तो हम संवेदनाओं को पढ़ पाते हैं और दुख और दर्द दोनों का अंतर भी समझ पाते हैं।
दर्द तो एक आता है और उसको भी अगर हम रीड कर रहे हैं दर्द को, तो वो आता है और किस प्रकार से वो आता है और किस प्रकार से धीरे धीरे जाता है, दोनों को रीड कर पाते हैं। दुख अर्थ देना है कि अगर मैंने किसी ने मुझे गाली दी, ये एक सूचना है और उस सूचना से मुझे सूचना मिली, तो फिर मैं उसे अगर अर्थ देता हूं कि चलो दी होगी कोई बात नहीं है, और अगर मैंने उसे गलत अर्थ दे दिया तो फिर वो दुख में बदल जाता है और बार बार मेरे अंदर वो चलने लगता है, फिर मैं उसके लिए प्रोग्रामिंग करने लगता हूँ। तो ये बहुत ही संवेदनाओं द्वारा सूचना का आना, सूचना को अर्थ दिया जाना और अर्थ के आधार पर फिर शरीर को भी लगा देना। कभी कभी फिर हम शरीर को भी आदेश देते हैं कि इसने गाली दी है अब इसे मारो, तो फिर उसमें शरीर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तीनों को अलग अलग करके हम देख पाते हैं, तो ये हमारे अंदर बहुत मेजर शिफ्टिंग करता है और कुछ कुछ मैं इसे देख पाया हूँ भैया, तो उसको मैंने रखा है। बढ़िया भैया, तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि दर्द शरीर में हो रहा है, दुख मुझ में हो रहा है, और दर्द के साथ दुख को मैं पैदा करता हूँ अपने द्वारा दिए गए अर्थ से। बढ़िया, इसको हम लोग और स्टडी करेंगे भैया स्टेप 5 में। सुंदर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया, मैं जो ये संवेदनाओं को ऑब्जर्व करने का जो अभ्यास है, इसको मैं इधर एक दो दिन से जब कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं थोड़ी सी और सूक्ष्म संवेदनाएं जो कि मैं पहले नहीं ऑब्जर्व कर पा रही थी, अब वो मुझे दिख रही हैं। जैसे मुझे यहाँ पे बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ परेशानी हो रही है ह्यूमिडिटी से, अब मैं ये देख पा रही हूँ कि जब वो कोई हवा मेरे स्किन पे लग रही है तो स्वेटिंग जो है उससे वो हवा में डिफरेंट टाइप का, मतलब पैकिंग सा फीलिंग हो रही है, जैसे कि बॉडी पैक है और वो सिर्फ उसको छू के निकल जा रही है। जब एसी में जाते हैं तो उसकी हवा डिफरेंट टाइप की फील होती है। तो स्किन पे, स्किन से जो संवेदना आ रही थी उसको मैं इधर 2-4 दिनों से देख पा रही हूँ भैया। तो अभी भैया इतना देख पा रही हूँ, और थोड़ा सा ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे कहीं पहले ये नहीं पता चलता था कि पैर सुन हो गया, अब उसे और बारीकी से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सुन होने पे कैसा लग रहा है, और जब धीरे 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 उसमें मतलब धीरे धीरे से उसमें सेंसेशन आ रही है तो कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा और बारीकी से चीजें ऑब्जर्व हो पा रही हैं। जैसा मतलब मैं 2-3 सेशन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस तरह की ऑब्जर्वेशन मुझे इस वाले सेशन में हो पा रही है, शायद मैं ध्यान अच्छे से दे पा रही हूँ, ये वजह है जी भैया। जी कंटिन्यू करें और संवेदनाओं को और सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास करें। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस पर अभी हम लोग 5 मिनट का समय लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग शेयरिंग लेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अभी इसको देखें बैठकर, अगर चल फिर रहे हैं तो थोड़ा अभी आराम से कहीं बैठ जाएं, काम अगर कर रहे हैं तो थोड़ी देर रोक लें, और अभी इसको बारीकी से देखें। संवेदनाएँ हो रही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, इस संवेदना क्या है, मैं क्या हूँ, संवेदना और मेरे बीच जुड़ाव किस प्रकार है, इसको देखें। तो 5 मिनट ऑब्जर्व करते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। बढ़िया, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते चलें, 5 मिनट का समय तो बहुत थोड़ा है, जब भी समय मिले इसको ऑब्जर्व करें, संवेदना को देखने का अभ्यास करें, तो उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे और इससे आपका अपने भाव पे भी ध्यान जाएगा और कैसे हम अर्थ देते हैं संवेदना को, इस पर भी ध्यान जाएगा, जिसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। परंतु इस अभ्यास को अगर बनाए रखेंगे ना, संवेदना को ठीक ठीक देखने का, सूक्ष्मता के साथ देखने का, तो आगे जो हम लोग स्टेप्स पे बात करने वाले हैं उसमें काफी सहायक रहेगा। और जो आपने अभी अभ्यास एक पूरा किया है उससे भी एक कनेक्ट होगा, कैसे होगा इसको हम लोग स्टेप 5 में भी स्टडी करेंगे। भैया नमस्ते, सभी भाई बहनों को नमस्ते। तो भैया, जैसे शरीर में कोई दर्द वगैरह होता है तो उसमें तो वो तेज होता है और उसको तो देखना आसान है, लेकिन जैसे जो हम दृश्य के रूप में या गाना सुनने के रूप में और ये जो संवेदना
है इसका पता ही नहीं चलता कि मतलब उस पर ध्यान नहीं जाता कैसे कि ये हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए नहीं लगना चाहिए। जैसे कोई हिंसा का दृश्य देख रहे हो या कोई गाना वैसा सुन रहे हो, तो ये कठिन है ना भैया या अभ्यास का मुद्दा है केवल? देखिए अभ्यास का मुद्दा तो है, जितना अभी हम देख पा रहे हैं उतने के लिए सरल है, जितना नहीं देख पा रहे हैं वहां पे कठिन लगता है, कि देखते जाते हैं तो सरल हो जाता है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया हम जो 5 मिनट के ऑब्जर्वेशन कर रहे भैया, ये ऑब्जर्वेशन और मेडिटेशन जो ध्यान बोलते भैया, ये अलग अलग है भैया क्या? उसका पार्ट है भैया, ध्यान का पार्ट ही ऑब्जर्वेशन? देखिए मेडिटेशन का मतलब इतना ही है कि ध्यान देते हैं, मेडिटेट करते हैं ना किसी एक मुद्दे पे ठीक से ध्यान देते हैं, इसको मेडिटेट करना कहते हैं। ऑब्जर्वेशन इसलिए कह रहे हैं अभी और मेडिटेशन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये काम हमें 2400 घंटे करना है। निरंतर करना है। ऑब्जर्वेशन तो 2400 घंटे कर सकते हैं, परंतु तो हो सकता है जब मेडिटेशन कर रहे होंगे तो हमारे अंदर को इसको एक अर्थ हमने दिया हुआ है कि इसके अलग से बैठना है, आँख मुंद लेना है, ऐसे पोजिशन बैठना है ना। बट यदि हम मेडिटेशन खाने को खाने के बाद इतना ऑब्जर्वेशन के घंटा रूप होना में है। ही देखें, जी अगर मेडिटेशन को ऑब्जर्वेशन के रूप में ही देखें, मेडिटेट करना है अपने ऊपर, तो पहले अभ्यास में हमने भाव के ऊपर मेडिटेट किया, दूसरे अभ्यास में हम संवेदना और उसके लिए जो हम हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, हाँ भाई है ना। ठीक है तीन भाई, मुख्य उतना ही मुद्दा था। ध्यान थैंक देने का है, ऑब्जर्व करने का है, शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का है। तो भैया बहुत ही अच्छा अवसर मिला, कल हमको 11 घंटे हम 4 जनों मिलके ऑब्जर्वेशन कर पाए, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे ही रहे। जैसे आपसे बात हुई 6:30 को, ट्रेन एकदम 6 घंटा लेट होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ गई, तो हमने ये देखा कि जो भी बॉडी की संवेदनाएं हैं शरीर से आने वाली, उसको अर्थ देने का काम मैं कर रहा था, या हम, मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूं मैं। भैया नमस्ते, नमस्ते सभी नमस्ते। को। तो भैया ये तो बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली कल हम लोग आए, तो फ्लाइट से तो आए, तो इट वाज अ लिटिल कंफर्टेबल जर्नी। तो वहां से भी जब यहाँ आए वो भी बहुत कंफर्टेबल था, जब कानपुर पहुंचे। बट जब हम नीचे आए, हम नीचे देखे कि हमें 4th फ्लोर पे रूम मिला है। सो सडनली वी वर टेकन अबैक कि 4th फ्लोर, तो हम लोग का जो इंस्टेंट जो होता है ना कि जो कंडीशनिंग कि 4th फ्लोर है तो लिफ्ट तो होगा ही, तो एक तरह से हम भूल गए कि हमको हॉस्टल लाइफ है। तो हमने सोचा कि कैसे अब इसे उठाएं। ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से मैं वजन नहीं उठा पाती, बट व्हाटएवर। तो ये मैं थोड़ा सा लेकिन तो हम लोग ने सोचा कि नहीं नहीं अब तो वो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो सबके मन में यही चल रहा था कि मतलब जैसे हम लोग 3 जन साथ आए थे, तो तीनों के मन में ये था कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, अब तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, और ऐसे कैसे चढ़े ये वो। बट सडनली वो जो रोशन भैया है बहुत कूली आए और आराम से उठा लिया हमारा सामान। तो हम उनको देखे कि वो कितना कंफर्टेबली चढ़ गए ऊपर एंड आराम से आकर रख दिए सामान। तब भी हम उनको बोले कि अच्छा आप हमारे लिए थोड़ा सेकंड फ्लोर में कर दीजिए अगर है पॉसिबिलिटी। फिर इवेंचुअली जब हमको थोड़ा टाइम मिला, हमने देखा बाकी सब भी आए एंड सबको अच्छे से मिले, तो हमने सोचा ये तो बहुत माइनर सी बात है और आराम से हम रह सकते हैं सबके साथ, सब लोग भी तो रह रहे हैं। तो इस तरह से वो एक मैंने जो था जो एक्सेप्टेंस वो थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं हम सब एक साथ रहेंगे, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये भैया मेरा ऑब्जर्वेशन था कि नॉट ओनली मी बट सबके साथ ऐसा एक हुआ कि इनिशियली हमें लगा कि शायद ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आदत हो गया है किस तरह से। बट अभी का जो एक्सपीरियंस है, जब हम वे बैक कॉलेज में पढ़ते थे और जब हॉस्टल में रहते थे, तो वो फीलिंग आ रहा है, which is again something that is giving us happiness and अच्छा भी लग रहा है कि चलो फिर से हम आए हैं home away from home with this kind of a feeling that we are having। भैया बस यही शेयर करना था। नमस्ते जी भैया। नमस्ते, बढ़िया, स्वागत आपका कानपुर में। थैंक यू सो मच भैया।
ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, जनरली जो गर्ल्स हॉस्टल में रूम मिलता है वो ऊपर के फ्लोर पे ही मिलता है, और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि जब ऊपर सामान लेके चढ़ना होता है तो फिर में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, बट धीरे धीरे फिर उसका एक अभ्यास हो जाता है। जी 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 भैया, और मतलब वही प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते थे हॉस्टल में कि पानी कम आना, एंड यू नो दैट रश की अर्ली मॉर्निंग जाके यू फिनिश योर वर्क एंड सो वो सारा, बिकॉज लाइक इट्स अ लॉन्ग वे, तो इसलिए वो सारा को अगेन यू नो टू प्रैक्टिस दैट, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अच्छा भी लग रहा है अभी आ रहा है गुड टाइम. बिल्कुल बिल्कुल, आपको संवेदना को पढ़ने का भी बहुत सारा और अवसर मिलेगा क्योंकि एसी नहीं जी चलेगा है ना, पंखा जी कई जी बार घड़घड़ आवाज करेगा। जी ओ माय गॉड जी 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 भाई, थैंक यू भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को. नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया. ये ऑब्जर्वेशन कर मतलब शरीर की संवेदनाओं को ऑब्जर्व करने का जो गृह कार्य मिला है ये मैं कर रही हूँ, और उसके कई सारे ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने किए हैं वो मैं यहाँ शेयर भी कर रही हूँ, और उनसे जुड़े प्रश्न भी हैं. इससे पहले कि मैं दूसरे ऑब्जर्वेशन शेयर करती, अभी जस्ट जो अभी मुझसे पहले दीदी ने शेयर किया है तो वो भी एक संवेदना के रूप में मतलब वो जो शब्द हैं वो मेरे अंदर आए, और उससे बहुत सारी चीजें मुझ में चली. पहली बात तो ये कि ओह सब लोग कानपुर में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे वर्कशॉप है, तो एक सुखद संवेदना आई. फिर दूसरी संवेदना आई, मैं कब जा पाऊंगी वहां पे. फिर तीसरी संवेदना आई कि इस बार सार सत्र में मेरा जाने का बहुत मन है लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे का एग्जाम है और उस समय उसके साथ रहना मुझे जरूरी है, और 10 दिन का वो एग्जाम है और वही पीरियड आ रहा है, और मैं बहुत दिनों से इसी उधेड़बुन में लगी हुई हूँ कि कैसे तो करके अगर मेरा सार सत्र नहीं हो पाए तो उसके बाद में भी क्या गणेश भैया जो पूरे वांग्मय का अध्ययन होना है उसमें मुझे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे मैं उनको अप्रोच करूं, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं. और वो चीजें मतलब अभी जैसे कुछ शांत हुई थी, या जब मैं दूसरी संवेदनाएं ओवरलैप कर लेती हैं या मैं किसी दूसरे काम में बिजी हो जाती हूँ तो वो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही अभी दीदी ने ये बात छेड़ी तो वो सारी की सारी जो दबी हुई चाहना थी या संवेदनाएं थी वो एकदम से वापस बहुत ताजा हो गई, और फिर से बहुत जैसे मेरे अंदर मैं के लेवल पे मैं उत्कंठा देख पा रही हूँ कि मुझे कानपुर जाना है. और ये जो फोर्थ फ्लोर वाली बात आई तो मुझे भी ध्यान आया कि मेरे भी नीज में पेन रहता है, मैं कैसे सीढ़ियां चढ़ के फोर्थ फ्लोर पे जा पाऊंगी. तो ये सब मतलब सिर्फ उनकी एक बात से इतनी सारी कल्पनाशीलता या इतनी सारी चीजें जो हैं वो मेरे अंदर चली. इसी तरह से जब मैं पूरे दिन की संवेदनाओं की बात करती हूँ और स्पेशली जब मैं ऑब्जर्व करने बैठती हूँ कि अब मुझे ऑब्जर्व करना है तो लगता है कि अभी ये संवेदनाएं चल रही है, अरे ये चल रही है, अभी देखो उधर ये भी तो चल रहा है, फिर देखो उधर ये भी तो चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में लगता है ये भी तो चल रहा है, और मैं मतलब एक जगह रुकी नहीं पाती हूँ. जब देखने लगती हूँ तो बहुत सारी जगह कुछ 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 होता हुआ दिखता है, और जब किसी काम में व्यस्त हो जाती हूँ तो सब भूल भूल जाती हूँ, और उस काम के प्रति फोकस बना रहता है तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि संवेदनाएं हैं, शरीर है, मैं हूँ, बस उसमें पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए कि एकाग्र हो जाती हूँ, ध्यान पूरा उस काम को करने में ही लगा रहता है. एक चीज और कल जो रात को हुई कि मैं किचन में गई और उसके लिए मैंने जो स्लाइड वाले दरवाजे हैं वो मैंने खोले, फिर उसके बाद में जो बीच में बरामदा पड़ता है उसकी लाइट जलाई, फिर किचन का दरवाजा खोला, अंदर गई, अपना काम किया, वहां पे कुछ अव्यवस्था देखी और मैं वो काम करके मैं वापस अपने रूम में आ गई. और तब वो अव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित करना है, कल क्या करना है, उस सब चीजों के बारे में मैं सोच रही थी,
और जब आके मैं बैठी तो मेरा ध्यान गया कि मैंने किचन की लाइट बंद की या नहीं की, दरवाजा बंद किया कि नहीं किया। अच्छा, मैं बरामदे की लाइट तो पक्का ही छोड़ आई हूँ, और ये कहीं मैं दरवाजा तो नहीं खुला छोड़ आई हूँ। ऐसा करते करते जब मैं मुझे ध्यान गया तो मैंने कहा मैं चेक करके आती हूँ। जब मैं चेक करने गई तो मैंने देखा मैंने सारे काम कर दिए थे, किचन की लाइट बंद थी, दरवाजा बंद था, बरामदे की लाइट बंद थी, वापस जो दरवाजा बंद होना है बरामदे का वो बंद था। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि मेरा ध्यान तो सारा का सारा ये था कि इस अव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित करना है, कल क्या स्टेप्स लेने, और मैं सारे के सारे काम कर आई, मैं कैसे वो सारे निर्णय ले पाई। जबकि मतलब फिर मेरा ध्यान गया कि ये अभ्यास वश ही हो गया, और ये बड़ी हैरानी की बात लगी मुझे कि मतलब कितनी चीजें ऐसी हैं जो अभ्यास वश कर जाते हैं और उसका पता भी नहीं चलता। तो भैया ये ऑब्जर्वेशन थे, अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसमें और क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये मेरा प्रश्न है। जी भैया। देखिए, जो आपने पहले भाग में संवेदना शब्द का प्रयोग किया ना, उसके बजाय विचार कहना ठीक है वो, कि हाँ जैसे है ना, तो आप जैसे संवेदना कह रहे हैं, बस संवेदना नहीं विचार है, क्योंकि आपके अंदर कुछ चल रहा था हाँ उसको विचार दूर। वेदना से वो विचार जो है वो मतलब कहना चाहिए कि स्टार्ट हो गए। जी, तो संवेदना नहीं था विचार, संवेदना शरीर में जो घटना हो रही है। तो जो दीदी ने कहा भैया वो तो मैंने सुना, वो तो संवेदना ही थी ना, उसके बाद में मुझ में वो विचार शुरू हुए। हाँ, तो जैसे हम अब फोर्थ फ्लोर पर जा रहे हैं, घुटने में दर्द है, तो शरीर में कोई घटना हो रही है ना, उसके आधार पर मेरे अंदर कोई विचार चल सकता है। हाँ अब मैंने उसे प्रमाण से दिया है ना, उसके अर्थ में फिर हमारा विचार चलेगा। तो विचार मुझ में चल रहा है, संवेदना शरीर में हो रही है, और ये विचार और संवेदना का जो जुड़ाव है उसको मुझे ऑब्जर्व करना है। तो कोई प्रतिकूल संवेदना आई तो मेरे अंदर क्या विचार चला, कोई अनुकूल संवेदना आई तो मेरे अंदर क्या विचार चला, उसको ऑब्जर्व करेंगे। इस विचार में मुझे भाव क्या है, इस भाव के पीछे मेरा संस्कार क्या है। तो जैसे जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे होते हैं ना, और उसकी एक स्वीकृति बन जाती है। फिर जॉब लगी, सेटल हो गए, फिर हम अपने लिए बहुत सारा अनुकूलता बना लेते हैं। अब उसके बाद वो जो पहले की प्रतिकूलता थी उसमें अब रहने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि तो हमारा कंडीशनिंग बिल्कुल अलग प्रकार से हो गया। तो हो बिल्कुल सकता है कि वापस जब जाते हैं है ना, तो हमें नई चीजें लगें। तो ये मुझ में क्या चल रहा है और शरीर में क्या चल रहा है, इन दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना। स्टेप 5 में हम देखेंगे कैसे हम संवेदना को अर्थ देते हैं, उसको हम बारीकी से कई भाग में बांट बांट कर देखेंगे। परंतु तो फिलहाल हमको ये दिखाई देने लगे कि मुझ में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। तो शरीर में बहुत ही सारी घटनाएं ही हो रही है, जो संवेदनाओं के रूप में मुझ तक पहुंच रही है, मैं उनको पढ़ रहा हूँ है ना, फिर मेरे अंदर चल रहा है बहुत कुछ। जी बढ़िया भैया। जी, हाँ भैया, जैसे संवेदना तो एक ही हुई कि उन्होंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, वो शब्द मेरे कानों में पड़े, लेकिन विचारों में मेरे उससे रिलेटेड कहाँ से कहाँ पहुंच गई ये वही वो मैंने। सारे विचार थे जी, वो सारे विचार थे ना कि संवेदना, मैं वही कह रहा हूँ। तो जी पहले भाग में जो आपने शेयर किया तो सारा विचार था, जी और फिर इससे हो सकता है कि इसका शरीर में कोई प्रभाव पड़ा है ना। जैसे आप उत्साहित हुए कि आप भी आ पाते, तो जो हाँ आपके अंदर कौतूहल बना, अब उसका शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, ये जरूर हो सकता है। तो हमारे में जो भाव विचार होता है उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर में जो संवेदना हो रही है उसका मुझ पे प्रभाव पड़ता है। जी बढ़िया दी, दो तीन प्रश्न है चैट बॉक्स में, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, परंतु एक हैंड रेज्ड है, उनको पहले रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो मेरा एक ध्यान ये संवेदना के बारे में गया था, वो मेरा पूर्वानुभव है। 87 में मैं एक मेरे परिवारजन को हॉस्पिटल ले गया था, और बाद में जब उसको फॉलोअप में देख के बस स्टैंड पे आया तो मेरा हाथ बस पे ऐसे रख दिया, तो किसने दरवाजा बंद किया, तो मेरे हाथ के बीच की अंगुली है वो सारी वो डोर पे आ गई बस की, और फिर से मैं हॉस्पिटल गया।
वहां जाने के बाद डॉक्टर को मैंने बोला तो उसने बोला कि वो सारा खून बह रहा है तो टांके लेने पड़ेगी। मैं कि तू कितना आएंगे तो के चार। तो मैंने बोला कि आज उसको जो इंजेक्शन दे के आप जो करते हैं और बाद में टांके लेते हो न ले, मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ कितना दर्द होता है। तो ऐसे ही कुछ किए बिना उसने चार टांके लिए, मैंने सब कुछ सहन किया। पर देखा कि वो निर्णय मेरा था, आज पता चला, ये सत्र के बाद पता चला कि मेरा निर्णय वो था कि आप ऐसे ही टाके ले लो और जो कुछ दर्द हुआ वो मैं सहता गया, कूंकर भाई नहीं निकाला। तो तब मुझे मालूम नहीं था, आज वो जो पीड़ा थी शरीर को वो महसूस करने में मेरा निर्णय था, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगा। वो बात रखने के लिए मैंने एंट्रेस किया था शॉर्ट में, मैं वो संवेदना शरीर की पीड़ा और मैं का निर्णय वो देख पाया था, वो तभी मालूम नहीं था, पर आज जो हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया। नमस्ते, धन्यवाद सभी को। जी बढ़िया। का एक प्रश्न है, संवेदना अनुकूल प्रतिकूल कैसे है? इसको आप देखें तो जो आपको सुखकर लगता है वो आपके लिए अनुकूल है, जो सुखकर नहीं लगता है वो आपके लिए प्रतिकूल है। जैसे गर्मी के मौसम में पंखा ना चले तो पसीना हो रहा है, चिपचिपाहट हो रही है या गर्मी लग रही है बहुत तेज, तो प्रतिकूल है वो। कई बार ये भी आपको होगा कि अगर वो स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है, है ना, और स्वास्थ्य मेरी आवश्यकता है तो शरीर स्वस्थ रहे, तो भी मैं देखता हूँ कि हाँ ये प्रतिकूल है। जैसे अगर तेज गर्मी है और पंखा ना चले और आप इसी स्थिति में रहें तो स्वास्थ्य बिगड़ जाए। ठंड है और कोई इसमें एसी चला दे, कूलर चला दे, तो जो संवेदना आएगी वो प्रतिकूल होगी, उससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। प्रश्न है, जीवन है तभी संवेदना को पढ़ पाते हैं, जीवन है तब तक ही संवेदना को पढ़ते हैं, फिर मैं संवेदना से अलग कैसे? तो संवेदना को पढ़ता हूँ वो तो ठीक बात है, मेरा शरीर से जुड़ाव बना है, संवेदना को पढ़ता हूँ ना, परंतु संवेदना तो मुझसे अलग है ना, क्योंकि शरीर में है, मुझसे बाहर है। अगर संवेदना मुझ में होती तो शरीर रहे ना रहे मैं उसको पढ़ रहा होता, ठीक है अजय जी? तो संवेदना को पढ़ना एक बात है, संवेदना को होना अलग बात है। संवेदना मुझसे बाहर है, शरीर में है, मैं पढ़ रहा हूँ आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार, और पढ़ तभी पा रहा हूँ जब मैं शरीर के साथ संवेदना सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूँ। अगर आदान प्रदान रुक गया तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। बढ़िया। तो गृह कार्य के रूप में देखें तो ये काम हम लोग आज करेंगे, इसको आज और बारीकी से स्टडी करेंगे कि शरीर के किसी भाग में संवेदना को देखना है, जैसे खुजली हो रही हो, गुदगुदी हो रही हो, दर्द हो, कंपन हो इत्यादि, ध्यान देना है कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। इसी प्रकार शरीर के दूसरे भावों में भी संवेदना को देखना है और अभ्यास को दिन भर करना है। ये कल भी हम लोगों ने अभ्यास किया, आज भी इसको करना है, इसमें थोड़ा समय लगाएं संवेदना को बारीकी से पढ़ने का। आप एक दिन भी अगर बारीकी से पढ़ने जाएंगे ना तो आप देखेंगे देखने में बारीकी बढ़ रही है, धीरे धीरे बारीकी बढ़ती जाती है। अगर आप इसे एक इम्पोर्टेंट टास्क के रूप में ले लें तो इसके देखने की बारीकी आपकी बढ़ेगी। अभी संवेदना को बहुत स्थूल स्तर पर देख रहे हैं, धीरे धीरे और सूक्ष्म देखने लगते हैं, फिर शरीर के हर भाग में संवेदना दिखने लगती है। उसके आगे और स्टडी करेंगे कैसे मैं प्रभावित होता हूँ या अप्रभावित रहता हूँ, बट कम से कम संवेदना तो पता चले और ये भी दिखाई दे कि ये संवेदना है शरीर में हो रही या मुझ में चल रहा कोई विचार है। संवेदना और विचार कैसे अलग है ये भी आपको दिखाई देगा, मैं संवेदना से कैसे अलग हूँ ये भी आपको दिखाई देगा, शरीर मुझसे कैसे अलग है ये भी आपको दिखाई देगा, अगर इसको हम बारीकी से कर पाएंगे तो। आज भी इस अभ्यास को बनाए रखेंगे, है ना, इस अलगाव को देखने का अभ्यास करेंगे, स्वयं की संवेदना से, स्वयं के शरीर से, किसी एक भाग में देखें फिर अन्य भागों में देखें, फिर पूरे शरीर को भी देख सकते हैं, तो भी पॉसिबल है कि पूरे शरीर में हो रही संवेदना को एक साथ देख पाए, ठीक, और उससे अपने अलगाव को देख लें। अगर ये आप देख पाते हैं तो अपना शरीर से भिन्न होना आपको स्पष्ट रूप से दिख सकता है, तो अपने को वहां तक पहुंचना है कि अपने आप को मैं शरीर से बिल्कुल एक भिन्न इकाई के रूप में देख पाऊँ। तो अभी स्थूल स्तर पे शुरू कर दें, जहां दिख रहा है वहां से शुरू कर दें, ठीक है ना। उसमें आप अगर अपनी हरकत कम कर देंगे तो आपको और बारीकी से देखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जैसे कोई संवेदना में हमने हरकत की तो संवेदना को पढ़ने का अभ्यास कम हो पाया। तो जो भी हो रहा है उसको अभी होने दें शरीर में, ठीक है ना, और उसको अध्ययन करें, उससे अपनी दूरी को ऑब्जर्व करें, अपने अलगाव को ऑब्जर्व करें।
तो आज का भी समय लगाएं, आज सैटरडे है, अगर आपके कॉलेज में छुट्टी होगी तो लगा सकते हैं, दिन में समय मिले तो लगा सकते हैं। इसको बारीकी से करें, इस वाले भाग को ठीक से कर पाएंगे तो स्टेप फाइव भी आप ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो फिर स्टेप फाइव में स्टेप फोर मिक्सअप होने लगेगा। तो इस पर तो वैसे काफ़ी समय लगाया जा सकता है, इसमें कठिनाई या चूक कई बार ये होते हैं कि फिर हम संवेदनाओं में घूमने लगते हैं। अभी इसमें हमको संवेदनाओं में नहीं घूमना है, फिर उतने को ध्यान में नहीं रखना है, आगे और काम करेंगे। इस संवेदनाओं से मैं कैसे इसको अर्थ देकर प्रभावित या अप्रभावित रहता हूँ, ये इसको आगे ऑब्जर्व करेंगे। परंतु संवेदना तो पहले स्पष्ट हो। तो कई बार आपको ऐसा होगा कि इसको मैं संवेदना कहूँ या मेरा विचार है, क्योंकि क्या होता है, मेरे अंदर के विचार पैदा हुआ तो शरीर में संवेदना उत्पन्न हुई, शरीर में संवेदना उत्पन्न हुई तो विचार उत्पन्न हुआ। तो विचार और संवेदना अलग है, ये भी कई बार हमको स्पष्ट नहीं होता। तो संवेदना आई, कोई हमने कोई विचार किया, उस विचार के अगर प्रतिक्रिया भी हमने कर डाली बिना इस बात को पहचाने कि संवेदना से उत्पन्न हुआ या मेरे विचार से उत्पन्न हुआ। कई बार ऐसा भी हो कि संवेदना नहीं आ रही है और मेरे विचार में ही कुछ चल रहा है, कोई अंतर विरोध है ना, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, इसके आधार पर मैं निर्वाह कर रहा हूँ। ये भी आपको पता लग गया कि अगर मेरे अंदर कोई उलझन परेशानी है और शरीर से प्रतिकूल संवेदनाएं आए तो मेरी परेशानी और बढ़ जाती है, अनुकूल संवेदना है तो उस अनुकूल संवेदना के प्रति मेरा आकर्षण और बढ़ जाता है, क्योंकि लगता है वहां राहत है। तो अगर मैं अपने आप में आराम में नहीं हूँ, सुख का स्रोत मेरे भीतर बना हुआ नहीं है और बाहर से प्रतिकूल संवेदना आए तो मेरा दुख समस्या बढ़ जाता है, अनुकूल संवेदना है तो सुख की आशा में उधर भागने लगता हूँ। तो अभी जैसे तोमर भैया भी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो अगर मेरे अंदर अभी स्थिति सहज नहीं है, ठीक, तो उसको सहज बनाने के लिए मैं अनुकूल संवेदनाओं का प्रयोग करता हूँ। स्थिति सहज नहीं है और प्रतिकूल संवेदनाएं आती हैं तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। जैसे किसी मुद्दे पे आप परेशान हैं, है ना, किसी ने कुछ कह दिया है और आपको तनाव हो रहा है और पंखा भी ना चले, एसी भी ना चले, तो आप पाएंगे आपका तनाव और बढ़ता जा रहा है। इसको ऑब्जर्व करिए, आज दिन भर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, आज यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं। सभी को नमस्ते।